नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वक्सी स्टूडियो के एक और वीडियो के साथ मैं हूं वक्सी और आप देख रहे हैं वक्सी स्टूडियो। जी नाज़रीन, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HBL बैंक पे। दोस्तों, जैसे कि आप वेबसाइट पर गूगल पर इस वक्त लाइव देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पाकिस्तान का लार्जेस्ट बैंक है, बहुत ज़बरदस्त बैंक है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप इस बैंक में अपना अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, अकाउंट ओपन करवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो तमाम तफसीलात जो मुझे प्रॉब्लम मसाइल फेस हुए अकाउंट ओपन करवाते वक्त और फिर अभी तक जिस वजह से ओपन ही हुआ मेरा अकाउंट, वो तमाम तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर आप HBL बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो फुल वॉच करें, उसके बाद इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त मालूम मिलेगी। दोस्तों, अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जब किसी भी अपने नज़दीकी ब्रांच में विज़िट करेंगे तो जो बंदा जो ऑफिसर डील कर रहा होगा अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट को, सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि भाई आप क्या करते हैं, ठीक है। आप उसे बताएंगे कि मैं जॉब करता हूँ या स्टडी करता हूँ या मैं अपना बिज़नेस करता हूँ, ये तीन कैटेगरी बताएंगे। तो उसके बाद जब अगर आप कहेंगे कि मैं एक जॉब करता हूँ तो आपका जो जिस डिपार्टमेंट में जॉब करते होंगे उससे रिलेटेड वो आपको कहेगा कि आप जो एक पेपर होता है उसकी ज़रूरत होगी आपको, ठीक है, वो आप बनवा कर देंगे, तब जाकर आपका अकाउंट ओपन होगा। बेसिकली जो एक सिंपल अकाउंट होता है HBL में और एक बिज़नेस अकाउंट होता है, तो ये सारी तफसीलात है जो मुझे मालूमात मिली है, तो जो उस भाई ने मुझे गाइड किया। अच्छा दोस्तों, अगर आप कहते हैं कि मेरी कोई शॉप है छोटी मोटी तो मैं HBL बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूं, तो इसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? दोस्तों, आपका वैलिड आईडी कार्ड, उसके बाद दोस्तों जो आपका शॉप है उसका जो लेटर पैड है वो आपको लाजमी चाहिए विद स्टाम्प, ठीक है, जो आपकी शॉप की स्टाम्प बनी होगी वो उस पर लगा कर आपको देना पड़ेगी, ओरिजिनल आईडी कार्ड, ठीक है, तो तब जाकर आपका अकाउंट ओपन होगा। दोस्तों, वैसे एक नॉर्मल अकाउंट इनका ओपन हो जाता है जो जस्ट आईडी कार्ड पे होता है, ठीक है, उसकी जो लिमिट है वो कम होती है और वो इतना अच्छा अकाउंट नहीं है, उसके लिए आपको जस्ट आईडी कार्ड देना पड़ेगा और उसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये तीन तरह के जो HBL बैंक में ओपनिंग अकाउंट जो न्यू ओपनिंग अकाउंट हैं उसके मतलब ये तीन तरह के मेथड हैं, ठीक है, या बिज़नेस अकाउंट ले लें आप इसको, तो या फिर आप कहीं पे जॉब करते हैं उस कैटेगरी का, या नॉर्मल जो कस्टमर होते हैं तो उनका अकाउंट, ठीक है। तो दोस्तों, ये मालूमात मैं बिल्कुल 110% आपके साथ ज़िम्मेदारी के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इन्हीं वजूहात की वजह से HBL में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं हो सका, क्योंकि जो शॉप का लेटर था वो बनवाए थे लेकिन उस पर स्टाम्प नहीं थी, तो जिसकी वजह से उन लोगों ने मेरा अकाउंट ओपन नहीं किया। तो इंशाल्लाह जल्द अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो मैंने आपको इसी जो है ना बुनियाद पे आपको ये ओरिजिनल मालूमात दी है जो बैंक में नुमाइंदा आपको बताता है। तो दोस्तों, HBL बैंक अकाउंट ओपनिंग के मतलब ये वीडियो आपको कैसी लगी, जो मैं मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की, आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएँगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो यार एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग वक्सी स्टूडियो।